Good morning, friends. I am clearing minimum alternate tax. Minimum. ये है क्या minimum alternate tax? ये हम समझेंगे. इसको समझने से पहले हम तीन तरह का net profit समझेंगे. एक तो हम जो accountancy में करते हैं net profit एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक हम जो पीजीबीपी में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो हम पढ़ते हैं पीजीबीपी में. ये बताइए क्या ये जो नेट प्रॉफिट पी एंड एल में होता है और पीजीबीपी में जो प्रॉफिट होता है वो सेम होता है क्या? हाँ जी, ये दोनों प्रॉफिट सेम होते हैं? नहीं सर, ये दोनों सेम नहीं होते, इनमें डिफरेंस होता है. तो एक कंपनी थी हिंदुस्तान में जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट आता था 600 करोड़ एच पर पीएनएल अकाउंट और एच पर पीजीबीपी उसका आता था नील. टैक्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 600 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 600 करोड़. ये कंपनी का जब ये प्रॉफिट आता था, ये कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धीरू भाई अंबानी की कंपनी. तो पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ, फिर एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का ये हुआ, आप मोटा मोटा समझिए कि मान लो आज कंपनी पर 30% टैक्स है, लेकिन ये जो 30% टैक्स इस 600 करोड़ पे नहीं लगता, ये लगता है जो एच पर पीजीपी आता है. ओके, गवर्नमेंट ने कहा आज की डेट में इस 600 पे 18.5% मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इस पर देना ही देना होगा. इवन ये नील आ रहा है तब भी इस पर 18.5% यानी 111 करोड़ रुपए टैक्स देना ही होगा. ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर्स में एडजस्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि नेक्स्ट ईयर के अंदर मैट और इनका डिफरेंस ना हो. ठीक है, सपोज नेक्स्ट ईयर यहां पर आया 500 करोड़ रुपए और यहां पर भी आया 500 करोड़ रुपीज, तो यहां 500 पे 18.5% या नेक्स्ट ईयर आया 500 करोड़ पर ये बैठा 92.5 करोड़ और ये हमारा बैठा 150 करोड़. तो ये जो 150 करोड़ की जगह ये 92.5 करोड़ हमको ये मिनिमम देना है 92.5, जबकि हमारा टैक्स कितना बनता है 150. तो जो रेस्ट 57.5 करोड़ होगा, ये 57 करोड़ रुपीज हमारा इसमें से एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, और बाकी ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का है कि हर हालत में
जो आपका प्रॉफिट आता है एज पर पी एंड एल अकाउंट उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को मिले, लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट भी होता है इसमें भी कुछ ना कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि बिल्कुल इस पर ले जाने से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा दैट इज आल्सो नॉट प्रॉपर। तो एक तीसरी चीज, तीसरा टर्म्स यूज हुई बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट तो जो नेट है वो इस नेट प्रॉफिट पे भी ना लग के ये जो बुक प्रॉफिट है उस बुक प्रॉफिट के जितना प्रॉफिट आता है उसके 18.5% मिनिमम टैक्स देना होता है। तो हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है? नेट प्रॉफिट तो आता है इस पर पी एंड एल, तो इनकम टैक्स है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के लिए। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हमारा क्या होगा, इसके लिए हमें बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। पीजीबीपी में हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बुक प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बुक प्रॉफिट। तो हमारे लिए अब टर्म्स जो कैलकुलेट करनी है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के लिए, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि फॉर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स वी हैव टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। हमें क्या कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। तो कुल मिला के मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कुछ भी नहीं है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स केवल एक मीडियम है, एक सिस्टम है, रेट दिया होता है। तो इसके लिए हमें बुक प्रॉफिट जो कि पीजीबीपी के कंप्यूटेशन से डिफर होता है उसको ध्यान में रखना है। ओके, तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है ये समझना है। तो बुक प्रॉफिट निकालने की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें देखना होता नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, और इस नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट में से हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें जोड़ते हैं, कुछ चीजें घटाते हैं। तो वो हमें समझनी होगी, क्या चीजें हम जोड़ते हैं और क्या चीजें हम घटाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐड हम करते हैं इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स, हाँ जी। तो इसको निकालने के लिए जो एक तरीका है दैट इज एड प्राइड, प्रोविजन कौन कौन से, एक्सेस प्रोविजन्स और प्रोविजन ऑफ अनएसर्टेंट लायबिलिटीज। ओके, एंड प्रोविजन फॉर अनएसर्टेंट लायबिलिटीज। रिजर्व्स, वाई व्हाट एवर नेम कॉल्ड,
आरबीआई का प्रोविजन है, आरबीआई कहती है बैड डेट्स का प्रोविजन करना है एज पर आरबीआई, इस तरह के प्रोविजंस को, ठीक है, ये सब एड कुल मिला के इसको है एड प्राइड डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। यदि कोई प्राइड याद रखना है, प्राइड में प्रोविजंस रिजर्व्स, ओके, आरबीआई ने या जो रिजर्व्स बनाए जाते हैं इवन एटी आई ए के अंदर, ये सारे बुक प्रॉफिट में जोड़ने होंगे आपको, एटी ए आई में या टेन ए वन में, टेन आई ए में, ओके, ये सारे रिजर्व जोड़ने होंगे। उसके अलावा इनकम टैक्स जोड़ना होगा, डेफर्ड टैक्स जोड़ना होगा, उसके अलावा नेक्स्ट एक्सपेंडिचर्स ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, तो नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है प्राइड। अब इसमें से लेस क्या क्या करते हैं, इसके अंदर लेस करते हैं, दिखाई दे रहा है यहां पर, हाँ जी, लेस मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के लिए हमें कुछ चीजें लेस करनी होती हैं, लेस वो की जाएंगी इफ क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट हो, मान लो एग्जेम्प्टेड इनकम, यदि एग्जेम्प्टेड इनकम क्रेडिट की गई है तो उसको हम लेस कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 1038। तो जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम है यदि वो पी एंड एल में क्रेडिट की गई है 1038 को छोड़ के, ठीक है, और एग्जेम्प्शन अंडर सेक्शन 10A SEZ वाली, इसको लेस कर देंगे, ठीक है, और एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 एंड 12 ये कौन सी होती है, सेक्शन 25 कंपनीज, जबकि इन कंपनीज का अब नाम सेक्शन भी बदल गया, नाम भी बदल गया, न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के बाद में इनका नाम भी बदल गया, लेकिन पुराने जो सेक्शन 1956 में जो सेक्शन 25 कंपनी थी उन कंपनीज पर टैक्स नहीं लगता, तो इसका मतलब वो लेस कर दिया जाता है, यानी उन पर मैट भी नहीं लगता है, ओके, लेकिन एग्जेम्प्टेड इनकम टैक्स 10 वाली घटाएंगे, एग्जेम्प्टेड अंडर 10, लेकिन बट नॉट टू डिडक्ट 10A 10B, 10A और 10B का कुछ नहीं करेंगे, उस 10A और 10B को नहीं घटाएंगे, ठीक है,
यानी 10A 10B पर मैट लगता है, इसका मतलब क्या हो गया, 10A और 10B पर मैट लगता है, ठीक है, यानी 10A 10B की जो इनकम है वो बुक प्रॉफिट का पार्ट रहेगा, हालांकि उसको पीजीबीबी में डिडक्शन मिलेगी लेकिन बुक प्रॉफिट में डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब 10A और 10B पर भी, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बट नॉट टू डिडक्ट, वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे, इससे मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। सपोज एक एग्रीकल्चर कंपनी है, सपोज एक एग्रीकल्चर कंपनी है, कल्चर कंपनी, ठीक है, फेवरेट एग्रीकल्चर। अब इस फेवरेट एग्रीकल्चर की इनकम है, यानी सेल है 200, एक्सपेंडिचर है 90, नेट प्रॉफिट है 110, तो ये हो गया 200। इसका बुक प्रॉफिट निकालेंगे, तो बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बुक प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना होगा 110, इसमें ऐड कर देंगे एक्सपेंडिचर्स ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम 90, ये हो गया 200, लेस एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10, तो 200 हम इसको लेस कर देंगे, ये कितना आएगा नील, नील बुक प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह ये एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो क्या होता, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती, मान लो इसकी सेल होती मैन्युफैक्चरिंग से 200 और एग्रीकल्चर से होती 100, ये होता मान लो 300, ओके। एक्सपेंडिचर मान लो मैन्युफैक्चरिंग के 80, एग्रीकल्चर के एक्सपेंसेस 40, प्रॉफिट कितना आता 180, नेट प्रॉफिट कितना होता 180, एड एक्सपेंसेस ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम 40, 220 माइनस 100 ये वाला, तो कुल मिलाकर कितना आता 120, तो वही आ गया मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो इस तरह हमको प्रॉफिट निकालते एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके। क्लियर? तो ये हमने कुछ कुछ आपको पॉइंट्स बताए, हाँ ये बात यहां तक समझ में आ रही है। अब हम कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे मैट के रेफरेंस में।
मैट के रेफरेंस में एक केस था. सबसे पहले हम बात करेंगे लीव एंकेसमेंट. लीव एंकेसमेंट लायबिलिटी, ये लीव एंकेसमेंट लायबिलिटी है. ये कंपनी ने लायबिलिटी दिखाई हुई है, प्रोविजन फॉर लीव एंकेसमेंट. ठीक है, यानी प्रोविजन दिखाया हुआ है, प्रोविजन फॉर लीव एंकेसमेंट. तो इस प्रोविजन फॉर लीव एंकेसमेंट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो प्रोविजन के लिए अब हमें देखना पड़ेगा ये एसर्टेन्ड लायबिलिटी है और अनएसर्टेन्ड. तो ये एक केस था. एसर्टेन्ड कब मानी जाएगी? अगर हमने इसको साइंटिफिक बेसिस पर किसी कैलकुलेशन से या फॉर्मूले से निकाली होगी तब तो एसर्टेन्ड होगी, अदरवाइज अनअसर्टेन्ड होगी. यदि एसर्टेन्ड होगी तो नॉट टू बी इंक्लूडेड, नॉट टू बी एडेड. और यदि अनअसर्टेन्ड होगी टू बी एडेड. तो ये इस लीव एंकेसमेंट के बारे में एक केस भी आ चुका है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इस भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि इफ एसर्टेन्ड देन not to be added. And if uncertain, then is to be added. Same is the case for provision for gratuity. यदि ग्रेच्युटी एक्चुअरी द्वारा, अभी ग्रेच्युटी हम जानते हैं पीजीबीपी में क्या होता है. पीजीबीपी में इन दोनों ही केसेज में एक्चुअल पेमेंट के हिसाब से अलाउ होती है. इस केस में भी और इस केस में भी पीजीबीपी एक्चुअल प्रोविजन से नहीं होती, लेकिन बुक प्रॉफिट में इसने कहा है यदि एक्चुअली ने किया है और साइंटिफिक बेसिस पे है देन नॉट टू बी एडेड. और इफ अनअसर्टेन्ड है यानी एडहॉक बेसिस पे लगाया गया है, एडहॉक है तो टू बी एडेड. हाँ जी, बात कुछ समझ में आ रही है? यदि एडहॉक बेसिस पे है तो एड किया जाएगा, अदरवाइज एड नहीं किया जाएगा. ठीक है, इसी तरह प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी
वारंटी आप समझते हैं क्या होती है वारंटी? यदि कोई आदमी मान लो टीवी खरीदा, इतने एक साल की वारंटी दी है, तो वारंटी का मतलब यदि इसमें कोई भी खराबी हो जाएगी तो कंपनी रिपेयर करके आपको ठीक करके देगी, दैट इज वारंटी। जबकि गारंटी क्या होती है? गारंटी के केस में बदल के दी जाती है चीज, वारंटी में उसकी सर्विस और उसके पार्ट्स वगैरह रिप्लेस करके जैसी हालत है उसी हालत में करके ठीक करके दी जाती है। तो इसके लिए जो प्रोविजन किया जाता है, तो इसी तरह वहां भी ये डिसाइड हुआ कि यदि साइंटिफिक बेसिस पे एसर्टेन की गई है तो नॉट टू बी एडेड, ठीक है, लेकिन इस और अदरवाइज इट इज टू बी एडेड। इसके लिए केस था रोटाला कंट्रोलर, रोटाला कंट्रोल इंडस्ट्रीज का केस था। इस केस के अंदर ये डिसाइड हुआ कि अगर साइंटिफिक बेसिस पे एसर्टेन हुई हुई है तब क्या होगा, देन नॉट टू बी एडेड, और अगर अनएसर्टेन है ये एडहॉक बेसिस पे है देन इट इज टू बी एडेड। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग बैड डेट्स। बुक प्रॉफिट निकालते समय बैड डेट्स का क्या प्रोविजन करेंगे ये हम लोग और समझते हैं। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। नाउ बैड डेट्स में है इफ एक्चुअली रिटर्न ऑफ नॉट टू बी एडेड, इफ ओनली प्रोविजन इज मेड, only provision but not actually written off, then to be added। हाँ जी, तो bad debts के अंदर क्या होगा कि आपको एक्चुअली रिटर्न ऑफ है, नॉट टू बी एडेड, ठीक है। और अगर केवल प्रोविजन बना है तो हमें बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ये ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज लॉसेज ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी के लॉस के केस में क्या करेंगे? ये लॉसेज ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी, कंपनी सब्सिडियरी अपनी होती है और उसके अलग अलग असेसमेंट होता है। तो ये पीजीबीपी में भी हम क्या करते थे, पीजीबीपी में भी लॉसेज ऑफ सब्सिडियरी कंपनी अगर पीएनएल में डेबिट होते थे तो उसको एडेड बैक किया जाता था, यहां भी टू बी एडेड बैक, टू बी एडेड बैक, ये तो अपन ऐड कर ही देंगे लॉसेज ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ओके, अब नेक्स्ट आता है डिविडेंड्स। अगर डिविडेंड्स डेबिट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है,
डिविडेंड्स चाहे वो पेड हो या प्रपोज हो, तो ये टू बी एडेड बैक पीजीबीबी में भी हम क्या करते हैं इसको टू बी एडेड बैक, इसको पीजीबीबी में भी एड बैक कर देते हैं। ओके नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर रेफर्ड इन सेक्शन 10A। तो जो 10A में एक्सपेंडिचर से इनका क्या करेंगे, ये तो हमने पहले भी आपको बताया हुआ कि जितने एग्जेम्प्टेड इनकम वाले होते इन सारे एक्सपेंडिचर्स को टू बी एडेड बैक। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन एंड डेप्रिसिएशन है नॉट टू बी एडेड बैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजीबीपी में हम एड बैक करते हैं, एड बैक करते हैं और उसमें से लेस करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स के हिसाब से परमिसिबल होता है उसको हम एड बैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें ये नहीं देखना है इनकम टैक्स के हिसाब से है या कुछ भी है, जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डालना उसको एड बैक नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स के प्रोविजन को भी एडबैक करते हैं, एक्चुअल रिटर्न ऑफ को ही अलाउ करते हैं, तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट इज टू बी एडेड बैक। यदि कोई पी एंड एल में से डेबिट किया गया है ऐसा प्रोविजन तो उसको एडेड बैक कर देंगे। ओके टू बी एडेड बैक, हालांकि इस पे और भी केस लॉज भी है, कुछ अमेंडमेंट भी आई है। ठीक है, इस सब को हम आपको बाद में बताएंगे लेकिन ये आप अभी नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिमिनेशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, इन दोनों ही केस में यदि ये सब डेबिट किया गया है तो इट इज टू बी एडेड बैक, इसको भी हम क्या करेंगे वापस जोड़ देंगे। ओके
कुल मिला के क्या हो गया, इन सब का कंक्लूजन क्या हम लोग समझे? तो हमने समझे कि जो नेट प्रॉफिट आएगा उसने प्लस प्राइड करने के बाद में प्लस प्राइड कर देंगे नेट प्रॉफिट एच पर पी एंड एल अकाउंट, जो हमने बताए थे प्राइड के पास प्रोविजंस रिजर्व्स इनकम टैक्स डेफर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है। प्लस आप अलग से लिख देंगे अनएसर्टेंट लायबिलिटी, जो हमने अनएसर्टेंट प्रोविजन में दे दिए थे, प्लस लॉस ऑफ सब्सिडियरी, प्लस डिविडेंड्स, प्लस डिविडेंड्स, ओके। प्लस टेन ए और टेन ए के एक्सपेंसेस, ओके। साथ ही साथ अब इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, प्लस एक अमेंडमेंट किया, प्लस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स, इसको भी जोड़ दिया गया, एक ये अमेंडमेंट आया। ये क्यों किया गया, इसके लिए हम बताते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का दिमाग, उन्होंने क्या प्लानिंग की और उस प्लानिंग को अनप्लग करने के लिए अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व किया गया, ठीक है। तो अब हम आपको एक केस बताते हैं, कंपनी थी, इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ मैन्युफैक्चरिंग से 5 लाख का, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से 6 लाख का, इसने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया डायरेक्ट रिजर्व में। उसके बाद में क्लोजिंग डेट पर तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 5 लाख, क्लोजिंग उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट 5 लाख एंड ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व्स
6 लाख दिखा के नेट प्रॉफिट दिखाया, इलेवन लैक्स ओके। उसके बाद में रिजर्व लेते नहीं है तो बुक प्रॉफिट करने के लिए इन्होंने कहा नेट प्रॉफिट 11 लाख लेस विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स 6 लैक्स, और इन्होंने बुक प्रॉफिट किया 5 लैक्स रुपीज। यानी एसएससी ने कहा कि विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व, ये बुक प्रॉफिट तो मैं कैसे भी दिखाऊं, और विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द बुक प्रॉफिट। जिस तरह रिजर्व एडबैक किए जाते हैं और विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व माइनस किए जाते हैं, इस तरह का बेनिफिट बुक प्रॉफिट में कोई एसएससी ना ले ले, इसलिए इसको अमेंड कर दिया गया कि यदि कोई अमाउंट विड्रॉ किया गया है रिजर्व, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर द रिजर्व जिससे क्रिएट किया गया है वो इनकम बुक प्रॉफिट में शामिल की गई हो, तब को छोड़ के, अदरवाइज दिस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द बुक प्रॉफिट। ओके, तो ये हमने समझा बुक प्रॉफिट को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे कुछ और कंसेप्ट लेके डायरेक्ट टैक्स के। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, तो अब हम बता रहे हैं मैट के बारे में। मैट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक कंपनी थी, उसका ये पीएनएल था, पीएनएल अकाउंट मान लो 31 मार्च 2015। ये जो पीएनएल अकाउंट है, सेल 200, एक्सपेंसेस 40, डेप्रिसिएशन 25, नेट प्रॉफिट 135। अब इस कंपनी का क्या हुआ, बुक प्रॉफिट क्या हुआ, बुक प्रॉफिट 135। अब कंपनी ने क्या किया, असेट रिवेल्यू की और डेप्रिसिएशन रिवेल्यूड पर डेप्रिसिएशन लगाया और यहां पर कर दिया ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। फोर्टी फाइव प्रॉफिट सेम आया, तो कंपनी ने क्या किया, तो बुक प्रॉफिट कितना आएगा, बुक प्रॉफिट 135 लेस रिजर्व क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट 45.90। तो गवर्नमेंट को जब ये प्रैक्टिसेस पता लगी तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया, प्रोविजन आया कि जितनी भी डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट की हुई है दैट इज टू बी एडेड बैक एंड
डेप्रिसिएशन एडमिसिबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज टू बी डिडक्टेड. जब P&L अकाउंट के अंदर क्या किया, जितनी डेप्रिसिएशन P&L में डेबिट की हुई है, दिस इज टू बी एडेड बैक एंड डेप्रिसिएशन एडमिसिबल एज पर ITAT इज टू बी डिडक्टेड. ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया. अब नेक्स्ट इज, क्या मैट के केस में नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज. नेक्स्ट इज कैरी forward of losses. क्या जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड होंगे? हाँ जी बताइए, जो लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड होंगे. इसमें दो चीजें होती हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉस एंड कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन. बोथ विल बी कैरी फॉरवर्ड. अब क्वेश्चन आता है, क्या ये कब तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं? ये लॉस होते हैं 8 इयर्स तक, और ये डेप्रिसिएशन होती है अनलिमिटेड. मैट के केस में जो मैट, यदि एक्सेस मैट है, मैट टू बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 10 इयर्स. 8 इयर्स की जगह जो मैट है, मैट का एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है 10 साल ओके. अब आ जाइए, मान लो कंपनी है, कंपनी सिक हो जाती है. कंपनी क्या है? कंपनी सिक हो जाती है. ठीक है,
जिस साल तक सिख हुई है, जिस साल सिख हुई है उस साल मैट नहीं, यदि सिख अप्रूव्ड हो जाती है तो कहते हैं उस साल अपना मैनेजमेंट से कहिए लैंड बेचिए, लेबर के हवाले करिए फैक्ट्री, और तो उस साल मैट नहीं लगेगा। अब अभी तक हमने आपको एक चीज बताई थी, ATIA ATIB पर भी हमने कहा था मैट लग जाता है, लेकिन पहले क्या पोजीशन थी, जो SEZ डेवलपर थे, SEZ डेवलपर थे अंडर सेक्शन ATIAB, वो एग्जेम्प्ट थे 10 ईयर्स के लिए और उन पर मैट नहीं लगता था। उन पर क्या नहीं लगता था? मैट नहीं लगता था, है ना? यानी यदि 80Y का प्रॉफिट P&L में क्रेडिट होता था तो उसको डिडक्ट कर देते थे बुक प्रॉफिट में से, लेकिन अब अमेंडमेंट आ गया, अब क्या आ गया, अमेंडमेंट आ गया, अब नाउ ये चीज अब खत्म हो गई, नाउ SEZ डेवलपर पर भी मैट लगेगा। हाँ जी, उसके अलावा जो SEZ की यूनिट होती थी टेन ए, उस पर भी मैट नहीं लगता था, अब SEZ 10A यूनिट पर भी मैट लगेगा। SEZ के अंदर जो यूनिट्स हैं उन पर भी अमेंडमेंट करके तो मैट लगा दिया गया है। ठीक है, अब जहां तक अब एक केस हुआ था रिसेंटली कंपनी का, लॉस था 1 करोड़ रुपए, बुक प्रॉफिट 10 लैक्स और 10 लैक पे मैट दिया गया, मैट लगा। एसेसिंग ऑफिसर ने कहा मैट लग रहा है और देयरफॉर ये जो लॉस है कांट बी कैरी फॉरवर्ड, लेकिन केस डिसाइड हुआ और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा मैट लगने पर भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, लॉस
वाला जो प्रोविजन है ये रॉन्ग है एज पर कोर्ट, यानी मैट के केस में भी लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, इसके लिए आजकल अमेंडमेंट भी आ गई है, अमेंडमेंट भी आ गई है, यानी अब लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब आपको हम एक सेक्शन बताते हैं, वो बताते हैं, वो कहता है कि मैट क्लेम करने के लिए सेक्शन 115 जेबी 4, ये जो सेक्शन 115 जेबी 4 कहता है कि मैट क्लेम करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, एक मैट की रिपोर्ट चाहिए, और ये मैट की रिपोर्ट देनी है, उसके बेसिस पर ही एक फर्निश पे फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न इज फर्निशिंग रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, रिपोर्ट ऑफ सीए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आजकल ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनती, ई फाइल होती है, ई फाइल के अंदर ही कॉलम होते हैं, वो कॉलम ही फर्निश करके भर दिए जाते हैं, उसी में कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, जब ये मैट एप्लीकेबल हुआ था और जब मैट लाया था डीपी सिंह जी, उस समय इन्होंने कहा था कि भाई मैट जहां पे मैट लगता होगा वहां इनकम टैक्स के कोई भी प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ना इनकम टैक्स ना टीडीएस और बाकी कोई भी इनकम टैक्स के प्रोविजंस। बाद में चिदम्बरम जी आए और उन्होंने पाया कि ये तो भाई मैट वाली कंपनियों को बहुत फायदा है, तो अब क्या, तो वो अमेंड कर दिया गया। अब जो कंपनियां मैट हैं में आती हैं उन पे मैट के अलावा भी बाकी सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि सेक्शन 115 जे के अंदर ने बताया था कि ये जो है मैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 10 इयर्स बट नो इंटरेस्ट ऑन मैट, मैट पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा एक केस आया था, उन्होंने कहा मैट पे इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जिस समय आपका नॉर्मल टैक्स मैट से ज्यादा होगा, मान लो 2015 के अंदर आपका नॉर्मल टैक्स है 10 लाख, यानी नॉर्मल इनकम है, यानी आप समझिए नेट प्रॉफिट है 10 लाख, इसको यहां से करते हैं, आपको एक कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टमेंट का एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 नेट प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट और पीजीबीपी के अंदर कंप्यूटेशन की इनकम, इनकम एज पर पीजीबीपी है मान लो 1 लाख और बुक प्रॉफिट आता है आपका 10 लाख, तो टैक्स ऑन
बुक प्रॉफिट कितना होगा? वन पॉइंट एट फाइव लैक्स पीजीबीपी पे प्रॉफिट टैक्स कितना होगा? पीजीबीपी पे होगा 0.30, तो मैट हमको टैक्स टू बी पेड, मैट या टैक्स टू मैट कितना हो जाएगा? 1.85, तो मैट कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? हाँ जी 1.5, क्योंकि 30 तो हमें देना ही था। अब नेक्स्ट ईयर मान लो बिजनेस प्रॉफिट हुआ 50 लाख, पीजीपी हुआ 20 लाख, तो 50 लाख पे हमारा हुआ 9.25 लाख, इस पर हुआ हमारा 6 लाख, तो 9.25 लाख देना होगा। ओके, तो 3.25 प्लस, तो 4.8 लाख मैट कैरी फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा है वो 40 लाख ये और 40 लाख बीपी, तो हमारा टैक्स ऑन बीपी कितना हुआ? बुक प्रॉफिट 1872, 7.3 लाख, और इस पे हुआ हमारा 12 लाख, तो हमें मैट कितना देना होगा? तो 7.3 तो ये मैट है, ठीक है, 4.6 हमारा, 4.7 मैट कैरी फॉरवर्ड से एडजस्ट हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड से एडजस्ट हो जाएगा, केवल 7.10 देना पड़ेगा और मैट हमारा 0.10 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ जी समझ में आया। नेक्स्ट ईयर फिर 40 लाख एंड 40 लाख है, तो हमारा फिर क्या है 7.3 लाख, ये हमारा 12 लाख आया, तो हमको कितना देना पड़ेगा टैक्स? तो हमारा 11.90 और ये निल मैट हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? इस तरह ही हमारा मैट का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आजकल कंपनी से एक और एक पॉइंट बनाना चाहता था। आजकल कुछ कंपनीज एलएलपी में ट्रांसफर हो रही हैं। यदि कंपनी एलएलपी में ट्रांसफर हो गई है तो उनका क्या मैट कैरी फॉरवर्ड हो गया? कंपनी से यदि एलएलपी में ट्रांसफर होते हैं तो नो ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड ऑफ मैट, मैट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो मैट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब ये चिदंबरम जी ने जब मैट लाए थे 97 में, तो उन्होंने कहा था मैट को हमने इस तरह का फुल प्रूफ बनाया है कि उस मैट को कोई डिफीट नहीं कर सकता, नोबडी कैन डिफीट मैट, ठीक है। लेकिन धीरू भाई अंबानी जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो टीम है उन्होंने उस मैट को डिफीट कर दिया। कैसे किया उसको मैं बताता हूं। मान लो कंपनी की प्रॉफिट था 10,000 करोड़ रुपीज, कंपनी ने क्या किया 1975 से लेके 1997 तक की डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया और एरियर्स जो है 10,000 करोड़ इसमें डाल दिए, ठीक है। तो एरियर जब डालते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अलाउड थी। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रेयर, क्योंकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देना था और प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी थी,
10,000 करोड़ और बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आ गया 10,000 करोड़। बुक प्रॉफिट निकाला, बुक प्रॉफिट 10,000 करोड़ लेस ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व 10,000 करोड़ और नील मैट इज नील। डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई ये अलाउ नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा दिस इज द राइट, डेप्रिसिएशन के मेथड चेंज करने का राइट है, जिसको कि असेसिंग ऑफिसर चैलेंज नहीं कर सकता। और इस तरह जो है आपका धीरूभाई अंबानी ने फाइनेंस मिनिस्टर को इस मुद्दे पर हरा दिया। ओके, तो ये मैंने कुछ स्पेसिफिक आपको मैट के पॉइंट्स बताए जो वेरियस क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब तो आज हम बस यहीं पर